बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर आज उपस्थित सभी जीविका दीदियों के ओर से पूरा बिहार में 1,30,00,000 जीविका दीदियों के ओर से आपसे अनुरोध है सर, आपका बात सुनने के लिए ये लोग पूरा इंतजार कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन, आपका आपका भाषण के लिए लोग वेट कर रहे हैं सर, आपसे अनुरोध है सर। समाधान यात्रा के सिलसिले में हम लोगों ने विभिन्न जिलों का दौरा किया है और इसी सिलसिले में आज आपके बीच में हम आए हुए हैं। 3 जिलों को मिला करके, पहले तो एक ही जिला था, बाद में ये 3 जिलों में बंटा, तो यहां पर हम आए हुए हैं। और जो हमने इसकी शुरुआत की थी समाधान यात्रा की 5 जनवरी से, तो उसी सिलसिले में हम तो जाकर देखते हैं कि कहां विकास का काम हो रहा है, कहां और किस चीज की जरूरत है, कहां किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, तो सब लोगों की बात सुनते हैं। और जीविका दीदियों के साथ भी हम इस कार्यक्रम में हर दिन बैठक करते हैं और आप लोगों की बात सुनते हैं, तो उसी सिलसिले में आज आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला है और इतनी बड़ी संख्या में आप 3 जिलों से मिल करके यहां पर उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप यहां पर सभी हैं और यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं मेरे बगल में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, मुंगेर के माननीय सांसद, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी और विजय कुमार चौधरी जी शेखपुरा के भी प्रभारी जिले हैं, यहां पर आए हुए हैं। अशोक कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय प्रभारी मंत्री मुंगेर पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, श्रीमती शीला मंडल जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग और प्रभारी मंत्री लखीसराय यहां उपस्थित हैं, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार जी यहां उपस्थित हैं, तारापुर के माननीय विधायक राजीव कुमार सिंह जी, माननीय विधान पार्षद श्री अजय कुमार सिंह जी और सरकारी अधिकारी यहां मौजूद हैं, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आरएस भट्टी जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री बाला मुर्गन जी जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त श्री संजय कुमार सिंह जी, पुलिस उपमहानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र श्री संजय कुमार जी, पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा श्री मनोज कुमार जी, मुंगेर के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार जी, मुंगेर के पुलिस अधीक्षक श्री जगन्नाथ रेड्डी जी, शेखपुरा के जिला पदाधिकारी सावन कुमार जी, शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय कुमार जी, लखीसराय के जिला अधिकारी श्री अमरेंद्र कुमार जी और लखीसराय के पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमार जी। और इस सिलसिले में तो इस कार्यक्रम में जीविका दीदियों में आप सब लोगों में से 7 जीविका दीदियों ने अपनी बात रखी। मुंगेर जिले से श्रीमती शिखा देवी जी, पूर्णिमा देवी जी, कलमी देवी जी, लखीसराय जिला से अमरी खातून जी, रुद्रम देवी जी और शेखपुरा जिले से खूनी खातून जी, सबदम खातून जी, आप सब लोगों की बात सुन करके
आप लोगों की बात को जानने और समझने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है। और ये काम जो हम लोग कर रहे हैं आप सब लोगों को मालूम है, और हम कहीं भी जाते हैं, देखने भी जाते हैं किसी क्षेत्र में कोई काम, तो वहां पर भी उस इलाके में भी जो जीविका दीदियां रहती हैं उनके साथ भी हम बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, क्या काम कर रही है ये भी जानते हैं, उनके काम को देखने जाते हैं। तो आप लोगों को ये एक चीज तो मालूम ही होगा कि जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 को, 24 नवंबर को जब हमको काम करने का मौका मिला, तब से हम काम कर रहे हैं। बीच में तो हम 9 महीना छोड़ दिए थे, लेकिन बाकी सब दिन से हम काम कर रहे हैं। अब वो उसी सिलसिले में जो हमको था कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में, तो हम जब एमपी थे या केंद्र में मंत्री थे तब भी जगह जगह के बारे में जानकारी मिलती थी, और हम लोग बिहार के रहने वाले थे तो यहां संख्याएं कम थी, तो जब हमको काम करने का मौका मिला तो उसी समय हम जा करके कुछ जगह लोगों से मिले भी, बात किए, तो अच्छा ही लगा, लगा कि और विकास करना चाहिए और ये स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये सोच करके हमको लगा कि भाई इनको और बेहतर काम, और अभी जो कर रही है वो मामूली बात है, कोई खास इनको आमदनी नहीं है, तो ये सबको देखते हुए हमने कहा कि नहीं, परिवार को बेहतर करने के लिए इनको ठीक से पढ़ाना। तो उसी सिलसिले में हमने इस सिलसिले में विशेषज्ञों से भी राय लिया, और सब तरह का निर्णय करने के बाद हम लोगों ने यह तय किया कि स्वयं सहायता समूह की संख्या हम तो बढ़ाएंगे, बहुत नाम मात्र की थी बिहार में, दूसरे राज्यों में कुछ संख्या ज्यादा थी, तो हमने बिहार के बारे में तय कर लिया कि यहां पर स्वयं सहायता समूह की संख्या हम कम से कम 10 लाख करेंगे। और इसके बाद हमने कहा कि जो स्वयं सहायता समूह में शामिल होती हैं दीदियां महिलाएं, तो हमने कहा कि अब इसका नामकरण हम जीविका रखेंगे। पहली बार ये नामकरण हम लोगों ने जीविका किया और काम करना शुरू किया, जो आजकल अब जीविका दीदियां कहलाती हैं। ये उसी समय 6 के बाद से ये सब शुरू किया। तो जब ये काम शुरू हुआ और यहां पर स्वयं सहायता समूह में भी संख्या बढ़ने लगी, आज जीविका नामकरण किया, जीविका दीदियां कहलाने लगी, इसकी चर्चा दूसरे राज्यों में भी हुई, उस समय केंद्र सरकार में भी हुई। तो उस समय जो केंद्र सरकार के मंत्री थे, आज वाले केंद्र सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम 7-8 की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी पता चला कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग आए और आकर के यहां का हाल चाल लिया, कहा कि भाई बड़ा अच्छा काम किए और आपने नाम दे दिया है जीविका। तो फिर यहां से लौट करके गए और उस समय की सरकार ने ही देश भर में जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी दीदियां नामकरण कर दिया आजीविका, बिहार की जीविका, और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, भूलिएगा मत। नहीं तो आज तक तो नया टेक्नोलॉजी ना आ गया है, सब चीजें को भुलवा देगा पुराना। ताहब का जीविका जो नामकरण हुआ और उसी के बाद देश भर में आजीविका नामकरण हुआ, इसलिए इसको कभी भूलिएगा नहीं कि आपके लिए काम शुरू हुआ, काम ठीक ढंग से शुरू हुआ, देश भर में असर पड़ा आजीविका और हमारी जीविका दीदियां। आजीविका दीदियां जब काम करने लगी तो दूसरे जगह जाकर के ट्रेनिंग भी देने लगी और संख्या हम बढ़ाने के लिए लगे रहे, और सब जगह कितना अच्छा काम करती थी। पहले महिलाओं को बेचारे को कोई काम नहीं था, अरे घर में तो खाना अपना बना देती थी, परिवार की सेवा कर देती थी, कोई कोई खेत में भी चली जाती थी, लेकिन उनको तो कोई काम नहीं था। लेकिन जब उनको काम का अवसर मिलेगा तो हमको तो यही लगा ना, तो परिवार की आमदनी बढ़ेगी ना, सबकी स्थिति होगी, और महिलाओं का विकास जरूर है। खाली पुरुष काम करता है तभी आज समाज आगे बढ़ता है, जब महिलाएं भी काम करेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि सब समाज में स्त्री और पुरुष दोनों हैं, तो खाली पुरुष नहीं है, स्त्री भी है, और ये भी काम करेगी तब आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमने ये सब आइए सब करना शुरू किया, इनकी संख्या को हम बढ़वाने लगे। और आप जानते न है, और खाली हम स्वयं सहायता समूह जीविका दीदी नहीं, बाकी भी काम करने लगे।
याद है ना, तो चाहते थे महिलाओं का उत्थान, तो 2006 में ही जब पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव था, केंद्र में कानून बना था 2003-04 में सारे देश के लिए, और उसमें किया गया था, और उस समय जो कमेटी बनी थी ना, लोकसभा और राज्यसभा की एक ज्वाइंट कमेटी बनती है कोई काम करना रहता था, तो उसमें हम भी लोकसभा के सदस्य थे, हम उसके कमेटी थे, तो उस चीज को कानून को बनाने में भी हम अपनी भूमिका निभा रहे थे, अंत में तो पार्लियामेंट से पास होता है। लेकिन आप उसमें जो तय किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम एक तिहाई महिलाएं रहेंगी, कम से कम एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण रहेगा, ये उसी समय केंद्र ने तय किया। और जब हम लोग यहां पर आए तो हमने कहा कि भाई एक तिहाई तो कम से कम है, अब बिहार में हम महिलाओं के लिए बराबर बराबर कर देंगे, 50% महिलाओं के लिए आरक्षण। 2006 में कानून बना करके चुनाव हुआ, पहला बार बिहार में जो महिलाओं की इतनी हालत खराब, लेकिन बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% जगह मिली, और पहले नाम मात्र की महिलाएं आती थी, कुछ बड़े परिवारों की महिलाएं कुछ इधर उधर लड़ लेती थी, लेकिन आम तौर पर कोई महिला नहीं आ पाती, तब 50% आ गई। और अगले साल जब नगर निकायों का चुनाव हुआ उसमें भी हमने महिलाओं के लिए 2007 में 50% कर दिया। अब तो 4 बार हो गया चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं का, नगर निकायों का सोच लीजिए, और कहीं नहीं था। तो जब बिहार में 50% हम लोग कर दिए 2006 में, तो बाहर से भी लोग देखने लगा कि अरे भाई यहां तो 50% हो गया, तो कुछ कुछ राज्यों ने भी उसको अपनाया। तो बिहार में महिलाओं को उत्थान के लिए भी काम किया, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, गरीबी के कारण लोग 5वीं क्लास तक पढ़ाते थे, उसके आगे बच्चियों को नहीं पढ़ा, उसके लिए कहां से होता, पोशाक वोशाक देने का, उसको कपड़ा देने का तो मौका नहीं था। तो हम लोगों ने काम शुरू किया कि भाई लड़कियों को तो पढ़ाएंगे तो सबके लिए पोशाक, और उसके बाद हमको लगा कि नहीं और आगे पढ़ाएंगे तो 8वां के बाद आगे पढ़ाने के लिए साइकिल योजना। पहले लड़की तो कोई साइकिल चला नहीं पाती थी, पटना में भी कोई लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती, तो हम लोगों ने पूरे जगह लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। अभी एक अपना बोल रहे थे कि साइकिल हम लड़की, अरे साइकिल योजना की शुरुआत हमने 8 से करवा दिया, और कितनी खुशी हुई लड़कियों को जब सब, और संख्या कितनी बढ़ने लगी, लड़कियां पढ़ने लगी 8वें के बाद भी 9वीं क्लास से, और जब लड़कियां स्कूल से आ जाती थी तो अपने माता या पिता को साइकिल पर ले जाकर के बाजार भी ले जाने लगी, क्या माहौल हो गया। आप मेरा याद रखिएगा इस सब चीजों, और कुछ मर्द लोग हमारे खिलाफ बोलने लगे कि अरे कहां लड़की को साइकिल दे रहे, सब लड़की को तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा हर परिवार की लड़की को साइकिल दे रहे, कोई किसी को तंग नहीं करेगा, कहीं कोई घटना नहीं होगी। आप बोलिए, और उसके 2-3 साल तक लोग मांग करते रहा, लड़का भी तम 11 के बाद दे दिए लड़का को, वो अलग बात है, लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, कितना कम पढ़ती थी, अब लगभग बराबर पहुंचने जा रही है। तो ये हालत हम लोग ने किया, तो आपके लिए किया कि भाई परिवार के उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों के लिए काम हो, तो उसी तरह से लड़कियों को पढ़ाने के लिए सब काम कराया। और उसका मालूम है ना, हम महिलाओं के उत्थान के लिए आज इस तरह से उनके लिए दे दिया पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों में, तक कितनी महिला सक्रिय हो गई। और बाद में 2013 में हम लोगों ने क्या तय किया, पुलिस में जो बहाली होती है तब बड़ा नाम मात्र की महिलाएं पुलिस में थी, हम लोगों ने तय कर दिया 2013 में, हमने ऐलान कर दिया कि हम पुलिस में महिलाओं के लिए कम से कम 35% का आरक्षण रखेंगे। अब आप महिलाएं कितनी बढ़ गई, संख्या कितनी बढ़ गई, बिहार में जितनी महिलाएं अब पुलिस में है इतनी संख्या देश के बड़े से बड़े राज्यों में भी नहीं है, वहां हम लोगों से 2 गुना 2.5 गुना पुलिस की संख्या है, लेकिन महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा
बिहार में है और अब 28% से भी ज्यादा पढ़ने लगी है, 35% भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। तो इतना सब हम लोगों ने काम किया और 2016 में तय किया कि सरकार की किसी भी सेवा में महिलाओं के लिए कम से कम 35% का आरक्षण। तो आप सोच लीजिए, स्वयं सहायता समूह बना करके आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को मौका मिले पंचायत में, नगर निकायों में, लड़कियां आगे पढ़े और जो आगे पढ़े उसको नौकरी मिले, तो ये सब काम महिलाओं को उत्थान के लिए किया। तो आज कैसी स्थिति, पहले महिलाएं दिखती नहीं थी और कैसी रहती थी, आजकल जब हम आप लोगों से बात करते हैं मुझको इतनी खुशी होती है कि जीविका दीदियां कितना बढ़िया लगती हैं, साधारण परिवार से निकल करके आप लोग, तो इतना खुशी की बात है। तब आप लोग बढ़ रहे हैं और एक बात आपको और बता रहे हैं, हम तो बराबर घूमते रहे हैं, घूमते रहते हैं, सबका हाल देखते हैं। अब पहले जितना काम था उसे ज्यादा बढ़ाते रहते हैं आपका काम, ताकि आमदनी आपकी बढ़े। अभी आप लोग बोल रहे थे हम इसीलिए दौरा कर रहे हैं कि आपको और ज्यादा आगे बढ़ाना है, आपकी आमदनी बढ़े और आपकी संख्या बढ़े। अब पहले जो था तो हम लोगों का तो हो ना गया भाई, स्वयं सहायता समूह की संख्या 10 लाख है, जीविका दीदियां हो गई 1 करोड़ 30 लाख। हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ेगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और तभी समाज का और ज्यादा सुधार होगा। इसलिए आप लोगों को जो काम दिया है हम इसीलिए आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप कितना बढ़िया से सब काम कर रही हैं, हम तो देख रहे हैं। जब काम कर रही हैं और तब सभी ने परिवार ठीक हो रहा है, अब बाल बच्चा को तो पढ़ाई रही है एक चीज, तो सब चीज करते रहिएगा, आप लोग और आगे बढ़िएगा, हम आप लोगों को और आगे बढ़ाते रहेंगे। इसकी चिंता मत करिए, हम इसीलिए आप लोगों को देखने आते हैं। जब आप लोगों को आपसे मिलते हैं, आप लोगों को देखते हैं, हमको भीतर से खुशी होती है, क्योंकि सबसे पहला जब हम आए थे 24 नवंबर 2005 में, तभी मेरे मन में बात थी कि सबसे पहले आप लोगों को बढ़ाएंगे, हम महिलाओं को बढ़ाएंगे और तभी समाज आगे बढ़ेगा। काम तो कर ही रहे, पुरुषों के लिए भी करते रहते हैं, सबके काम के लिए, लेकिन महिलाओं का उत्थान जब होने लगा है समाज बेहतर। आप लोगों का आमदनी और बढ़ा देंगे तभी ना और ज्यादा सबका आमदनी बढ़ेगा, तब और बिहार आगे बढ़ेगा। तो उसी में हम लगे हुए, उसके लिए आप अपना अपना काम पूरा बुलंदी से करते रहिए और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। और एक चीज हम आपको और कह देते हैं, पिछले साल जो हम लोगों ने किया था समाज सुधार अभियान, तब 12 जगह आप लोगों से मिले थे। आप पिछले साल तब फिर 2 बार हो गया था, कोरोना बढ़ गया था, लेकिन हम जो उसमें मिले सबसे, अब बात किया समाज सुधार अभियान, तो उसमें हम लोगों ने क्या बात की, 3 तरह की चीज, शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ। तो इसके पहले भी, अरे शराबबंदी जो लागू हुआ तो 2015 में, तो हमने तो जीविका दीदियों की संख्या बढ़ा, हम लोग 2006 से आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ने ही लगी, अब तो बहुत बढ़ गई। 15 में एक मीटिंग हुआ पटना में, अब वहां पर हम भाषण दे करके बैठे, तब जीविका दीदियां खड़ा होकर कहने लगी कि शराब बहुत बुरी चीज है, इसको लागू करिए शराबबंदी। तो हम लौट करके गए, हमने कहा कि भाई 3 महीना में फिर चुनाव होने वाला है, अगर फिर चुनाव में होके बाद जीत जाएंगे तो अगला बार शराबबंदी लागू कर देंगे, ये हमने आश्वस्त किया। और उसके बाद फिर आ गए तो उसके लिए हम लोगों ने नवंबर 2015 में उसका से शुरू करा दिया और आपको मालूम है शराबबंदी लागू हो गई और आप लोगों के बीच में जा करके मिलते रहे, सब लोगों ने अपना अनुभव बताया। एक जगह तो बताई महिला, कई भाई हमारे पति नौकरी करते थे, शराब पीते थे, कुछ नहीं घर के लिए लाते थे, शाम में लौटते थे झगड़ा करते थे, हम लोगों को बुरा लगता था, बाल बच्चा भी आगे बढ़ नहीं रहा था। आज जब शराबबंदी लागू हुआ तो शराब पीना उन्होंने छोड़ दिया, अब सब्जी उब्जी लेकर के रोज आते हैं, अब मुस्कुराते हैं, अब अच्छा लगता है, वातावरण बदल गया है। ये कहना जरा सोच लीजिए, कुछ तो गड़बड़ करेगा ही ना भाई, क्या करिएगा, समाज में तो सबका जन्म होता है,
तो सब शुद्ध थोड़िए हो सकता है, लेकिन जब काम करिएगा तो 90% लोग तो तुरंत ठीक हो जाते हैं, और 10% के लिए मेहनत करना पड़ता है तो उसमें भी एक अच्छा खासा हिस्सा ठीक होता है। कुछ तो चंद इधर उधर खचपच करता ही है, आजकल देखते नहीं है जहरीला शराब पिलवा पिलवा के कितना लोग मर रहा है, और तब तरह तरह का बात लोग बोलने लगता है, अंड बंड बोलता रहता है, अरे पियोगे तो मरोगे, ये तो बड़ी बुरी चीज है। इसलिए लोगों के बीच में जो पिछली बार हम लोगों ने शुरू कराया तो उसको जारी रखना। अब बाल विवाह दहेज प्रथा ये कितनी बुरी चीज है आप बताइए, जब नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए शादी के लिए कम से कम, और लड़का का उम्र 21 साल तब शादी होना चाहिए, लेकिन फिर भी बीच में इधर उधर होता, नहीं होना चाहिए समय पर ही 18 साल की उम्र होने पर ही शादी, 21 साल की उम्र होने पर लड़के की शादी, तो इसके लिए एकदम लगातार अभियान चलाना चाहिए। आज दहेज प्रथा कितना बुरा चीज है बताइए, लड़की की शादी लड़का से होती है इसके लिए दहेज होना चाहिए, अभी भी बता रहे थे वो, ये क्या मतलब है, कितनी बुरी चीज है। अरे लड़का दोनों ना है भाई, पुरुष और स्त्री, तो स्त्री की शादी पुरुष से होगी तो उसके लिए स्त्री को पैसा देना पड़े, कितना बुरा चीज, कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा गलत चीज है, ये बिल्कुल गलत है, नियम बना हुआ है लेकिन तब भी कुछ लेने की कोशिश करता है। अरे भाई अगर पुरुष का शादी होता अब ब्याह नहीं होगा तो उसको कोई बाल बच्चा होगा, कोई होगा कुछ दिन में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, शादी होता है तब ना बाल बच्चा होता है, अब आगे बढ़ता है, तो शादी होती है लड़की से तो लड़की से पैसा लगेगा, बहुत गलत बात है, इसलिए इसके खिलाफ ही लगातार अभियान चलना चाहिए। और हम लोगों ने तो कह दिया था पिछली बार कि भाई अगर कोई ऐसा करे दहेज ले तब इसके बाद तो उस स्थिति में उसके सदिया में मत जाइए, मना तो करिए, आज जब नहीं कोई जाएगा तो उसका ब्याह होगा तो दिखाई ना पड़ जाएगा कि ये दहेज लिया है इसलिए कोई गया नहीं है, तो दृश्य सामने आ जाएगा, दहेज प्रथा के खिलाफ ये बात ये काम भी करना है। और जो पिछली बार आप लोगों को हमने जो दे दिया, आप लोगों के पास कागज होगा, आप देख लीजिए आपके पास कागज है, इसको हम सब दिन आपके पढ़ने के लिए दूसरे के पढ़ाने के लिए, आप ही लोगों के चलते हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, और देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई के दौरान भी सबको कहते रहते थे शराब बुरी चीज है मत पीना, और उन्हीं का कहा हुआ था शराब आदमियों से न सिर्फ उसकी उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है। आप बताइए शराब पियोगे तो आपका पैसा छीन जाता है, अब पैसा ही नहीं खाली छीन जाएगा बुद्धि भी हर जाती है, और उन्होंने कहा शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं, माने इंसान है अगर पीजिएगा शराब हैवान हो जाइएगा, ये बापू ने सबको कहा था। तो एक एक तो नई पीढ़ी को बताना है ना, कुछ लोग तो चक्कर में है कि पुराना चीजवा सबको भुलवा दो, बापू को भी भुला जाओ, आजादी की लड़ाइयों को भुलवा जाओ, और जिसको आजादी से कोई लेना देना नहीं रहा है तो वो चाहते हैं कि अपना नया नया इतिहास बना दो। तो याद रखिएगा हमेशा, तो बापू का कहा हुआ चीज नई पीढ़ी को एक एक बात को बता करके रखना, भूलना कभी नहीं है, इसलिए एक एक चीज को याद रखना। दूसरी बात है, आजकल तो कुछ काबिल आदमी होता है अपने को समझता हमारे खिलाफ हो गया कि हम शराबबंदी लागू किए, अब गलत बात करता है अपने को काबिल समझता है, लेकिन आप बताइए जब हम लोग शराबबंदी लागू किए तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय है, दुनिया भर में कहीं कोई भयंकर बीमारी होती है कुछ भी होती है उसको किस तरह से समाधान करना चाहिए इसके लिए वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोरोना का दौर आया तो कौन सबसे ज्यादा उसका सलाह दे रहा था दुनिया भर में, और उन्हीं लोगों ने ये काम तो किया ही, साथ साथ 2016 में उन्होंने दुनिया भर में सर्वे किया शराब के बारे में भी, और उन लोगों ने यह तय करके दिया 2018 में रिपोर्ट जारी किया, इसलिए हम सबको दे दिए, और कहा कि पूरे दुनिया में
एक साल में 30 लाख लोग मर गए और 30 लाख में 5.3% लोग शराब पीने वाले मर गए और 20 साल से लेकर के 39 साल वाले कम उम्र वाले जो शराब पीते हैं मरने वालों की संख्या 13.5%। आप बोलिए, जो स्वास्थ्य के लिए है, इलाज के लिए है, विश्व स्वास्थ्य संगठन उसने एक एक चीज का अध्ययन करके ये प्रकाशित किया, तो शराब कितनी बुरी चीज है। और क्या क्या उन लोगों ने कहा, 200 तरह की बीमारियां होती है शराब पीने से, और जो सबसे गंभीर बीमारियां हैं वो सब गंभीर बीमारियां और उसके जो शिकार होते हैं वो सबसे ज्यादा शराब पीने के कारण शिकार होते हैं। एक एक चीज है लिखा हुआ, तो एक एक चीज के बारे में हुआ। आप फिर आत्महत्या भी करता है, देश भर में जो आत्महत्या करते हैं, तो देश भर में दुनिया भर का उन्होंने आकलन दिया, जो आत्महत्या करता है उसमें से 18% शराब पीने वाला भी आत्महत्या कर देता है। अब आप सोच लीजिए, दारू पीना कितना बुरा चीज है, शराब पीते रहेगा तो आत्महत्या भी कर लेता, तो कितना बुरा चीज है। अब इसके अलावे आप जानते हैं जो दुर्घटनाएं होती हैं, अब जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, तो दुनिया भर में जितनी दुर्घटना होती है सड़क पर उसमें से शराब पी करके कोई जो गाड़ी चलाता है तो जितनी दुर्घटना दुनिया भर में होती है उसमें 27% दुर्घटना शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों के चलते होती है। अब जरा सोच लीजिए कितनी बुरी चीज है, और दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो उसके बाद दुर्घटना होती है, मरता है और मारता है, तो कितना बुरा चीज है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सब चीज लिख दिया और कई चीज लिखे हुए, बापू की बात और जो आपको कह दिया दहेज प्रथा और बाल विवाह, सब चीज को लिख करके नई पीढ़ी को भी दिखाइए, खुद भी बराबर पढ़िए, नई पीढ़ी को भी, पुरुषों को भी बताइए, सब जगह घूम घूम करके जो अपना काम करते हैं। तो हमने पिछले बार ही कह दिया, हम तो 12 जगह गए, हमने तो कह दिया कि भाई जो है समाज सुधार अभियान आप जारी रखिएगा, तो अपना काम भी कीजिए, परिवार को आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ समाज सुधार अभियान भी चलाते रहिए, लोगों को इन सब चीजों का सलाह देते रहिए, ये हमारा आपसे आपसे उम्मीद है। तो करते ना रहिएगा पागल, है हाथ उठा के बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो आपको और आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, अब आप अपना काम करिए और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव, कोई झंझट ना हो, कुछ लोग चक्कर में रहता हिंदू मुस्लिम झंझट, ये कभी नहीं हो, हम लोगों ने इतने दिनों से कम कर दिया, अब आप लोग अगर लगे रहिएगा ये कुछ नहीं होगा, सब अपना अपना काम करे लेकिन प्रेम और भाईचारे का भाव पैदा हो जाए, खूब आगे बढ़िएगा, बाल बच्चा सब पढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, सबकी आमदनी बढ़ेगी, बिहार विकसित होगा, और ये जो हम लोग काम यहाँ पर करते हैं दूसरे लोग भी उसमें करते हैं, और उसके साथ साथ समाज सुधार अभियान भी करते रहिएगा, तो मिल करके करिएगा। और हम फिर आपको कहते हैं, आपको आगे बढ़ाने में ही हम लगे रहते हैं और आगे भी और लगे रहेंगे, हमने ये कह दिया। एक चीज हमारा और कि पढ़ाई लिखाई वाला भी तो हम पहले कर दिए थे कि जीविका दीदियां देखेंगी, तो उसी समय कोई कोर्ट में चला गया तो रुक गया, अब भी लेकिन जाके देखिएगा कि कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, स्कूल से गायब है तो जरा देख करके कहिए कि फलाना गायब है स्कूल से, तो अपना मोबाइल से डीएम साहब को भिजवा दीजिएगा, और उसके बाद यही डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो तुरंत जाके दिखवाएंगे, और जो पढ़ाता नहीं है उसको बाहर निकालने का और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि पढ़ाई लिखाई भी हो, पैसा थोड़ी है भाई, पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, सब काम होना चाहिए, और किसी तरह की कोई तरह की आपको असुविधा कहीं दिखती है तो उसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा डीएम को, तो हर कोई ध्यान देगा ताकि समाज का उत्थान हो,
आप आगे बढ़िए, सब लोग आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा है। और इसी सिलसिले में आपके बीच आने का मौका मिला, आप लोगों से मिल करके मुझे बेहद खुशी है, और हम आपके लिए ही आगे करने का काम करते रहेंगे। समाज को आप आगे बढ़ाने का काम करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।